हेलो किसान भाइयों, नमस्ते। मेरा नाम योगेश है। मैं एग्रीबिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पहला वीडियो डाला था ड्रैगन फ्रूट में प्रूनिंग कैसे किया जाता है या उसके बाद स्प्रे कौन सा लेते हैं, क्या करते हैं। तो आज आपका दूसरा वीडियो बताने वाला हूँ। तो दूसरे वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि पेड़ किस प्रकार से तोड़ते हैं, कहाँ तोड़ना है, उसके बाद बेसल डोज क्या डालना है, बेसल डोज में वही क्यों डालना है, उसका हर एक कंसेप्ट के हिसाब से चलूँगा। और जो डोज बताऊंगा या मैं जिस प्रकार से प्रोसीजर बताऊंगा वो फॉलो करते चलिएगा। उससे क्या होगा कि मैंने लास्ट सीज़न में अप्रैल में फ्लावर पकड़ा था, मई में मेरा पहला हार्वेस्ट निकला था, जो कि नॉर्मल मेरे भी रीजन के कॉम्पिटिटिव जो फार्मर है जो मेरे साथ ये करते हैं उनका मई में फ्लावर था, जून में पहला हार्वेस्ट निकला था, मैं उनसे एक फ्लावर पहले निकाला हूँ। और जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा उस हिसाब से करोगे तो एक हार्वेस्ट आपका पहले निकलेगा। और क्या होता है, जून से लेके सितंबर अक्टूबर सितंबर तक पूरी दुनिया का निकलता है, बट आपको उनसे एक स्टेप आगे रहना है। एक पहला हार्वेस्ट आप उनसे पहले ले लोगे तो उसमें आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और आपका एक साइकिल आगे भी निकलेगा। तो मतलब क्या है कि एकर के हिसाब से कम 400 किलो भी आपका पहला हार्वेस्ट निकलेगा तो लगभग 200 का रेट तो पक्का रहता है मार्केट में, जब भी ड्रैगन फ्रूट उस टाइम पे नहीं रहेगा मई में तो आपका माल हार्वेस्ट में रहेगा। आप लगभग 200 के हिसाब से भी पकड़ोगे तो 80-70 से 80 हज़ार रुपये आपके कहीं पे नहीं गए। तो आपको बता देता हूँ बेसल डोज में क्या डालना है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, तो आप फॉलो करते रहिएगा। चलो बता देता हूँ अभी क्या क्या करना है। तो ये हमारा प्लांट है, प्लांट के रूट जोन के ये जो है हमारा मेन प्लांट है, वहाँ से 1.5 फीट आपको डिस्टेंस पे बेड तोड़ना है। बेड तोड़ना तो रेजर बोलते हैं हमारे यहाँ पे उस इक्विपमेंट को, उसका फ़ोटो भी बता देता हूँ आपको। तो उस इक्विपमेंट से आपको बेड तोड़ने हैं। बेड तोड़ने के बाद आपको उसमें क्या क्या प्रोपोर्शन में क्या क्या डालना है ये आपको बता देता हूँ अभी। कि आपको बोला था मैं सॉइल टेस्टिंग लैब में आपका सॉइल सैंपल भेज दो। सॉइल सैंपल भेजने के कारण क्या होगा कि आपके मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशेंसी है या कौन सा न्यूट्रिएंट आपके प्लांट सॉइल में अवेलेबल है उसका आइडिया आपको आ जाता। बट कुछ फार्मर के अगर रिजल्ट नहीं आए होंगे तो मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ वो डोसेज फॉलो करो। उसमें आपको क्या करना है कि छनिया खातर मतलब गाय का गोबर का जो खाद है वो पूरा पका होना चाहिए। वह आप 4 टन से 5 टन के पर एकर के हिसाब से डाल सकते हो। फिर से बता देता हूँ, गाय का गोबर का खाद पूरा पका हुआ रहना चाहिए, वो उसका डोसेज 4 से 5 टन पर एकर के हिसाब से डालना है। उसके बाद आपको डालना है डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट रहेगा, उसको 1846 भी बोलते हैं। तो वो आपको डालना है 3 बैग पर एकर के हिसाब से। पोटेशियम के लिए डालना है आपको MOP यूरेट ऑफ पोटेश, वो आपको डालना है 2 बैग पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आता है न्यूट्रिकेट, वनिता एग्रो का न्यूट्रिकेट आता है। उस न्यूट्रिकेट में आपको 21 किलो की बैग आती है, वो 21 किलो की बैग पर एकड़ के हिसाब से डालनी है। जिस फार्मर को वनिता एग्रो की वो न्यूट्रिकेट नहीं मिलती है तो उसके उसमें क्या कंपोजिशन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप नॉर्मल दुकान से सेपरेट ले लोगे तो भी चलेगा। उसमें आता है मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, फेरस सल्फेट आता है 5 किलो, जिंक सल्फेट आता है 3 किलो, मैंगनीज सल्फेट आता है 2 किलो और बोरॉन आता है 1 किलो। उस हिसाब से आपको पूरे प्लांट के लिए बेसल डोज में आपका पूरा मिक्सचर बन जाएगा, न्यूट्रिएंट बेसिक न्यूट्रिएंट प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको उसमें मिल जाएंगे। अभी उसके अलावा क्या होता है कि अभी ठंडी का मौसम चालू है, इसकी जड़ें भी टूट गई है, समझो अभी आप बेड तोड़ते हो तो इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको बेसल में क्या डालना पड़ेगा, उसमें ह्यूमिक भी डालना पड़ेगा। और ठंडी के मौसम की वजह से क्या होता है, प्लांट शॉक में चला जाता है, प्लांट उतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो प्लांट होते फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता इसलिए अपने को और एक दो चीज़ें उसमें ऐड करनी है। तो क्या करनी है, तो अपने को उसमें सीवीड डालना है, सीवीड ग्रैनुलर फॉर्म का। तो सीवीड का काम क्या रहता है, सीवीड एक मतलब उसको सागरिका भी बोलते हैं। जो प्लांट समंदर में ग्रो करते हैं वहाँ पे हाई टीडीएस रहता है, समंदर का पानी जो है खारा पानी है, खारे पानी में ग्रो करने की उसकी कैपेसिटी रहती है पहली बात। दूसरी बात, वो कम सनलाइट में भी ग्रो करता है। उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है या उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट और हार्मोन निकाले जाते हैं और वो बॉटल में ट्रांसफ़र करके अपने को वो बेचे जाते हैं।
उसको सीवीड कहते हैं। तो आप वो सीवीड आपको ग्रैनुलर फॉर्म में मिलेगा तो वो डाल दो। हम स्प्रे फॉर्म में तो बहुत सारे फार्मर उसको यूज़ करते हैं, बट वो ग्रैनुलर फॉर्म में भी मिलता है, तो आप उसको सीवीड 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। सीवीड प्लस ह्यूमिक एसिड वो मिक्स में मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी जड़ें जो टूटी हुई है वो जल्दी सेट हो जाएगी। जितनी जल्दी उसकी जड़ें सेट हो जाएगी उतनी जल्दी आपका शूट और प्लांट फोटोसिंथेसिस करना ये हो जाएगा। अभी उसमें अभी तो समझो आपको ये बता दिया, अभी उसमें खास बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे वॉल एग्रो के प्रोडक्ट मिलते होंगे तो आप ट्राई करना कि जब आप बेसल डस्ट पूरा डाल देते हो, ये मिक्स कर लिया रोटावेटर के साथ, तो इसमें क्या करना पड़ता है, अपना बेड बनाने का जो मशीन है इससे ये मिट्टी ऊपर चढ़ाना है बेड के ऊपर। उसके बाद एक्टिव वॉल एग्रो का प्रोडक्ट है या कैंडल रूट आता है, वो क्या करता है कि प्लांट अभी जिसकी जड़ें टूटने के कारण ये प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, तो स्ट्रेस से निकलने के लिए उस वॉल एग्रो के जो दो प्रोडक्ट बताए आपको, एक्टिवेव प्लस कैंडल रूट, ये दो प्रोडक्ट में क्या होता है कि अबायोटिक स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं जो प्लांट को रिकवरी दे देगा। जो भी अपना प्लांट स्ट्रेस में गया है उसकी जड़ें जो टूटी हुई है वो जड़ों को एक्टिव कर देगा, प्लांट को रिकवरी में लाएगा, जिसके कारण आपका पौधा जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवरी के बाद मई में आपका फ्लावरिंग मई में फ्रूटिंग दे देगा, अप्रैल में फ्लावरिंग आ जाएगा। और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिसेस और भी रहती है तो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा क्या क्या रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपको इसी बारे में वीडियो मिलती रहेगी, अपडेट मिलता रहेगा। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय जवान जय।